नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फेनुग्रीक या जिसे हम मेथी कहते हैं, दोस्तों मेथी से बनी हुई होम्योपैथिक दवा जिसका नाम ट्राइगोनीला फोइनम ग्रेइकम होता है, ये बहुत लंबा नाम है तो हम इसे फेनुग्रीक के नाम से ही बुलाएंगे क्योंकि फेनुग्रीक ईजी होता है। और फेनुग्रीक के जो होम्योपैथी में रूल है, फेनुग्रीक से जो होम्योपैथी में दवा बनाई जाती है और उसके जो होम्योपैथिक रोल है, किस किस बीमारियों को ये कवर करती है, हमारे बॉडी में ये किस तरह एक्ट करती है और हमें इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको फेनुग्रीक के मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानकारी मिल सके और आप इसे यूज कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो एक्शन होता है वो पेट संबंधित बीमारियों में बहुत अच्छी होती है, जैसे कि डिस्पेप्सिया, भूख सही से नहीं लगना, उस कंडीशन में ये हो सकती है। इसके अलावा ये इंटेस्टाइन पे बहुत अच्छी वर्क करती है। इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाना या इंटेस्टाइन सही से स्टिमुलेट नहीं करना, जिस कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, आप बार बार मोशन पास करने जाते हो लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन के कारण आपका मोशन क्लियर नहीं होता है, तो ये फेनुग्रीक जो है सो आपके इंटेस्टाइन को बिल्कुल स्टिमुलेट कर देती है और इंटेस्टाइन में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको ठीक कर देती है। यहाँ तक कि ये इंटेस्टाइन में अगर अल्सर अगर ये हो डेवलप हो रहा है उसको ये पूरी तरह से ठीक कर देती है। इसके अलावा अगर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, वो उनको भी फेनुग्रीक बहुत अच्छी हेल्प करती है। दोस्तों, इसके अलावा आप इसे जानते होंगे कि फेनुग्रीक यानी मेथी के दाने को लोग डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। रात में इसे पानी में भिगो देते हैं और सुबह में इसे चबाते हैं या इसका पानी भी लोग खाली पेट में पीते हैं। दोस्तों, ये डायबिटीज़ की दवा नहीं है, ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, लेकिन डायबिटीज़ को ये ख़त्म नहीं करती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि डायबिटीज़ को किस तरह से ये कंट्रोल करती है। दोस्तों, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो बढ़ने लगती है, तो ये क्या करती है, जब आप फेनुग्रीक लेते हो तो आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल जो फ्लक्चुएट करने लगता है, बढ़ने लगता है, ये उस लेवल को नहीं बढ़ने देती है, उसके नॉर्मल बेस में उस लेवल को रखती है। स्पेशली अगर टाइप 2 डायबिटीज़ किन्हीं को है तो इसमें ये बहुत अच्छी हेल्प करती है, यानी कि आपके ब्लड में ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। अगर आप डायबिटीज़ की कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ आप फेनुग्रीक ले सकते हैं। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक कर देती है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनको भी फेनुग्रीक लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर जिनको हाइपरथायरॉइडिज्म है उनको भी फेनुग्रीक बहुत अच्छी हेल्प करती है। इसके अलावा ये लिवर की बीमारियों में बहुत अच्छी वर्क करती है, लिवर कैंसर तक को ये ठीक कर देती है, कोलोन कैंसर हो गया है उसको भी ठीक कर सकती है, लिवर के एनलार्जमेंट में भी फेनुग्रीक काफ़ी हद तक फ़ायदे होती है। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, दारू शराब ज़्यादा पीते हैं, जिसके कारण से अगर लिवर ख़राब हो जाता है, लिवर में कैंसर डेवलप्ड हो रहा है, तो उस कंडीशंस में भी फेनुग्रीक का यूज बहुत अच्छा देखा जाता है। इसके अलावा ये महिलाओं की जो प्रॉब्लम है उसमें भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है, जैसे कि डिसमेन्योरिया, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं महिलाओं को, तो उस कंडीशन में होता है। इसके अलावा ओलिगोमेन्योरिया यानी कि स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है, 1 से 2 दिन ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग खुल के नहीं होती है, पीरियड खुल के नहीं होता है,
जिसे ओलिगोमिनूरिया कहा जाता है, उस कंडीशन में भी ये बहुत हेल्पफुल होती है। पेनफुल पीरियड में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं में एक कंडीशन देखा जाता है माइक्रोमेस्टिया, यानी उनका ब्रेस्ट साइज नहीं बढ़ता है, ब्रेस्ट का साइज नहीं बढ़ता है, तो फेनुग्रीक लेना चाहिए। दोस्तों इसका मैं घरेलू यूज भी बता दे रहा हूँ कि जिन महिलाओं को माइक्रोमेस्टिया की प्रॉब्लम है, स्तनों का आकार छोटा है, तो वो मेथी को दाने को पीस करके उसका लेप लगा सकती हैं। तो दोस्तों इससे भी ये फ़ायदा देखने को मिलते हैं। इसके अलावे ये महिलाओं के लिए फेस वॉश के लिए अच्छी यूज की जाती है। जो भी आप मार्केट में फेस वॉश यूज करते हैं उसमें आपको फेनुग्रीक ऐड किया हुआ रहता है, तो अगर आप इसका पेस्ट बना करके अगर अपने चेहरे पे लगाते हो तो चेहरे की जो पिंपल्स है वो ख़त्म हो जाएगी, जो ब्लैक हेड्स है वो ख़त्म हो जाएगी, अगर आपके झुर्रिये आ रहे हैं चेहरे पे तो वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल चेहरा ऐसा लगेगा कि इसमें किसी प्रकार की झुर्री इसमें नहीं है। एक्ने, पिंपल्स, झुर्रिया पड़ना, उम्र ज़्यादा दिखना, यानी एंटी एजिंग, चेहरे पे झुर्रिया पड़ जाने के कारण एंटी एजिंग की समस्या देखने को पड़ती है महिलाओं को, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छी हेल्प करती है। आपके चेहरे की स्किन को ये ग्लो बना देती है, यानी कि अट्रैक्टिव स्किन बना देती है, स्किन को पूरी तरह से ये सॉफ्ट कर देती है। जिन महिलाओं का फेस का स्किन ड्राई रहता है, उसमें इचिंग रहती है, यहाँ तक कि जो मोल्स डेवलप हो जाते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है। इसके अलावा ये हेयर प्रॉब्लम की भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। महिलाओं में एक चीज़ ऐसा देखा जाता है कि उनके बाल का ग्रोथ नहीं हो पाता है, सिल्की नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशंस में भी फेनुग्रीक यूज किया जाता है। फेनुग्रीक का पेस्ट आप अपने बालों में लगाते हैं, अगर उसे 40 मिनट तक अपने बालों में लगा के रखें, उसके बाद अगर आप अपने बालों को पानी से धो लीजिए तो आपको बिना शैम्पू किए हुए ही आपका बाल बिल्कुल शाइन करेगा, सिल्की हो जाएंगे। इसके अलावा ये डैंड्रफ को ख़त्म कर देती है, एंटी डैंड्रफ यूज की जाती है। लड़कों में बाल झड़ने की समस्या या महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या है उसको ये रोकती है, बालों को उजला होने से बचाती है, यानी कि बाल पकना जिसे कहते हैं ग्रे हेयर, उसको ये प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावे अगर पुरुषों में अगर हम बात करें तो जिनका स्पर्म काउंट कम है, ये जो स्पर्मिया है या स्पर्म बन नहीं रहा है या जितना स्पर्म उनको चाहिए उतना बन नहीं रहा है, तो ये स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जिनका कम है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी डेवलप कर सकती है। इसके अलावा महिलाओं में ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को लेवल को बढ़ाती है, जिसके कारण उनको माइक्रोमेस्टिया की जो कंडीशन होती है वो डेवलप्ड हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। अगर हम बात करें इसके गाउट पेन की, तो जोड़ों का दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। घुटने की जो दर्द होती है, नी पेन, उसमें ये बहुत अच्छी वर्क करती है। आपके जो एल्बो जॉइंट की जो पेन होती है उसमें अच्छी वर्क करती है। आपके बॉडी में अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है और किडनी उसे बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो उसके कारण आपको गठिया की प्रॉब्लम होती है, आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, स्टीफनेस रहता है, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, आप मूवमेंट नहीं कर पाते हो, तो ये हाई यूरिक एसिड अगर है गाउट को भी ये ठीक करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक बहुत अच्छी दवा है। किसी भी प्रकार की जोड़ों का दर्द अगर है तो मेथी का यूज किया जाता है। इसके अलावा फेनुग्रीक का अगर हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देखें तो ये किडनी स्टोन को भी ठीक करती है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो उसमें कुछ मिनरल्स या विटामिन्स आपके बॉडी में आते हैं, तो किडनी में जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का मिश्रण होता है, तो फेनुग्रीक को लेने से कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो
डिपॉजिट नहीं होता है और आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो ये किडनी स्टोन बनने ही नहीं देता है। और इसको अगर यूज किया जाए कुछ दिनों तक, अगर किन्हीं को किडनी स्टोन हो भी गया है तो वो भी फेनुग्रीक को यूज कर सकते हैं। दोस्तों फेनुग्रीक यानी मेथी के दाने को लोग ऐसे भी आप इसे यूज कर सकते हैं, इसके दाने को आप रात में भिगो करके सुबह इसे खाली पेट में चबा करके खा सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में भी इसे आप ले सकते हैं। डोजेज की अगर हम बात करें तो सुबह खाली पेट 10 बूंद आधे कप सुसुम पानी के साथ, शाम में भी खाली पेट में आपको लेना है। जो भी मेडिसिन आपकी चल रही है, जैसा कि मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, जो जो डिजीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है, उसके साथ साथ आप फेनुग्रीक को ऐड करके आप इसे ले सकते हैं। तो आज आपने जाना कि फेनुग्रीक के क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है और इसके लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या घर बैठे बैठे दवा ऑर्डर करके होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट और मेडिसिन की भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।